ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत का एक कल्चर है। हाँ, थोड़ा रोजगार कम हो गया है, काम भी कम हो गया है, डीजे सॉन्ग की वजह से और जो ये मोबाइल फोन की वजह से कम हो गया। आवाज आ रही है कि नहीं? आप सभी को आवाज आ रही है और यहाँ बैठे हुए सभी श्रोता इस संगीत का आनंद लेने के लिए बैठे हुए हैं जी। तो अभी आप देखेंगे हमारे ये हमारी एक रागिनी विधा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो आप संगीत देख पा रहे हैं। ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये कहाँ का कल्चर है? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत का ये कल्चर है। तो उत्तर भारत का ये कल्चर है जी। हर कोई अपने अपने धुन में महारथी है। अगर पूछा जाए आप लोगों से कि सबसे अच्छी धुन किसकी निकलती है और कौन इन सभी में से अच्छा है, तो क्या बता पाएंगे? सभी अच्छे हैं, सभी अपने गुण में अलग अलग, सभी अपना अपना गुण है सबका। चलिए सिर्फ एक बार आपकी धुन समझ लेते हैं और सिर्फ आपकी धुन सुनते हैं। देशभक्ति बजाऊं, अब मैं इनको भी सुन लेता हूँ, जरा आप लगाइए। सब मिलकर ये गीत बनते हैं। बिल्कुल, सभी एक साथ वादन से ये एक धुन बनती है, एक माहौल बनता है और एक संगीत बनता है। चलिए मैं उन लोगों से बात कर लेता हूँ, ये कब से बजा रहे हैं आप? ये 3 साल से। 3 साल से। अच्छा, ये अगर पूछा जाए आपसे कि ये जो कल्चर है ये कहाँ कहाँ है, तो क्या बताएंगे आप? हमारे यूपी को ही है। यूपी को ही है? अरे जवान, देखो अगले की गजब है। तो ये क्या पहले से कम हो रहा है या फिर छवि कम से कम कम होती जा रही है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? ना, सही चल रहा है, सही चल रहा है। एक हकीकत जानना है वाकई, आप थोड़े पुराने लग रहे हैं, हो सकता है कि आपकी आत्मा अभी भी जवां हो। पहले से कम हो गया। पहले से कम हो गया, क्या वजह रही है जो अभी पहले से कम हो गया? ये जो डीजे सॉन्ग आए वो, हाँ, डीजे सॉन्ग की वजह, डीजे सॉन्ग की वजह से और जो ये मोबाइल फोन की वजह से कम हो गया। अच्छा, मोबाइल फोनों की वजह से कम हो गया, तो इससे तो फर्क धंधे में भी पड़ा होगा फिर तो? हाँ, थोड़ा रोजगार कम हो गया है, हाँ, काम भी कम हो गया है, हाँ। अब ये कि थोड़ा सा चलने लगा है, हल्का हल्का चल रहा है अभी, चलता है। अच्छा, अभी भी लोग पहले जितना आते थे लोग सीखने कि ये एक प्रोग्राम सीख लें, क्या अभी भी लोग सीख? देखिए, ये रागनी विधा जो है एक ऐसी विधा है हमारे प्राचीन समय की, हाँ। एक ऐसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की एक मुख्य विधा है, जिसके माध्यम से हम उपदेशात्मक गीत, देशभक्ति गीत और अन्य ऐतिहासिक गीतों का वर्णन और उच्चारण इसके माध्यम से होता है, और राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रमों में और कहीं पारंपरिक रूप से कहीं वैवाहिक कार्यक्रमों में और जगह जगह जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं तो इस विधा को, रागनी विधा को हम सर्वप्रथम ज्यादातर मानते हैं, तवज्जो देते हैं। अच्छा, ये बताइए पहले कितना खर्चा आता होगा अगर आपको बुक करते हैं तो? लगभग देखिए, खर्चा की तो बात ऐसी है, बहुत सारे 10-15 लोगों की टीम होती है, हम कहने लगे जब कोई कलाकार स्टार बन जाता है तो कलाकार की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन हमारी अपनी छोटी व्यवस्था है, लोगों के प्यार मान सम्मान पर भी चले जाते हैं। अरे गजब, बहुत बहुत अच्छा। तो एक लास्ट जाते जाते एक म्यूजिक सुना दीजिए कोई गजब। जी 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 जी, आइए आइए, आपके आपके दर्शकों को हम जो रेडियो आकाशवाणी के माध्यम से जो ग्राम संसार कृषि जगत कार्यक्रम आता है उसमें एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक धुन बजती है, उसी धुन के माध्यम से आज का कार्यक्रम शुरुआत होता है। किस प्रकार से आप सुनिएगा? तो सुनिएगा म्यूजिक की झनकार को, देखिए।